हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दो ट्रैवल मशीन। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज मैं आया हूँ हर की पौड़ी हरिद्वार पे। यहाँ पर होने वाली गंगा आरती रेगुलर होती है डेली शाम को। इसकी डिटेल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें, आप पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आना चाहिए, कहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आरती कब होती है और आप आरती पर कैसे देख सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप गंगा आरती देखिए, उसके बाद मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों ये है वो घाट जहाँ पर गंगा आरती होती है और यहाँ से काफ़ी सारे पुजारी लोग गंगा जी की आरती करते हैं इस साइड से। और ये है मेन मंदिर गंगा जी का, जो मुख्य मंदिर है वो ये है। इस साइड बैठकर ही आप आरती देख सकते हैं, लेकिन सही से आरती देखनी हो तो आप उस साइड ही बैठें, सामने की साइड। यहीं पर आप देख रहे हैं अभी तो भीड़ कम है, बट ये प्रगति बैठी हुई है यहाँ पर, जिसने हमारे लिए जगह बना रखी है। और अभी भीड़ कम है, इसके थोड़ी देर बाद भीड़ बढ़ जाने वाली है तो फिर जगह नहीं बनती है, इसलिए अभी से वहाँ पर हमने जगह अपनी बना ली है। और ये है कंप्लीट हर की पैड़ी का व्यू। यहाँ मैं ऊपर आ जाऊँ थोड़ा सा शूट करने के लिए, जिससे कि आपको पूरा व्यू दिखा पाऊँ। ये आप देख रहे होंगे सारे पुल यहाँ बने हुए हैं, ब्रिज सारे। ये क्लॉक टावर है यहाँ का, पीछे जो पहाड़ है उस पर मनसा देवी हैं और ये इधर मंदिर दिख रहा है, मेन मंदिर। तो ये है पूरा हर की पैड़ी जहाँ पर पूजा वगैरह होती है, ये वो जगह है। बाकी मेन नदी इसके पीछे जाती है, इस ब्रिज के पीछे। तो ये देखो आप एक बारी कंप्लीट व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से ऊपर से। तो अब आ गए हम अपनी जगह पर जहाँ से हम देखने वाले हैं गंगा आरती। ये देखिए आप, काफ़ी सारी भीड़ भी है यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं थोड़ी देर में, क्योंकि गंगा आरती होने वाली है तो इसलिए पहले ही लोग आके अपनी जगह बना लिए हैं, बाद में फिर जगह नहीं मिलती। तो अब चलते हैं हम गंगा आरती की ओर और शूट करते हैं वहाँ पर। Thank you.
तो दोस्तों ये थी गंगा आरती, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा काफ़ी देख के। और अब मैं आपको वो ट्विस्ट बताने वाला हूँ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि क्या है यहाँ पर। एक्चुअली गंगा आरती होती है करीब सूरज डूबने के 10 मिनट के आसपास, इसलिए आपको उससे पहले करीब करीब 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ जगह मिल पाती है आगे से, जहाँ से आप अच्छे से देख पाएंगे। बाकी आप पीछे देख रहे हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, अभी आरती ख़त्म हुई है तो लोग जा रहे हैं, तो जो सामने वाला ब्रिज दिख रहा है वो भी एकदम ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए आप इधर आ भी नहीं सकते। तो करीब करीब आप 2 घंटे पहले आइए यहाँ पर आरती के टाइम से। आरती आप नेट पर चेक करते हैं, हर महीने का अलग टाइम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जून में करीब 7 बजे के आसपास होती है और अभी नवंबर दिसंबर में करीब 5:30 बजे होती है। तो आप टाइम देखिए और उससे करीब करीब 2 घंटे पहले यहाँ आ जाएं, जिससे कि आपको जगह मिल पाए अच्छे से आगे से बैठ के देखने के लिए। अगर आप इस साइड से भी देखेंगे तो आपको पूजा तो दिखेगी लेकिन क्लियर व्यू नहीं आएगा जहाँ से आप सारी आरती देख पाएँ। इतने सारे जहाँ पर आरतियाँ होती हैं जगह जगह पर, वो आप सब सारी देखनी है तो आपको सामने की साइड ही बैठना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं उन सब से, उनको भी दिखाइए गंगा आरती। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इसका बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि मैं और भी कई सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ जो ट्रैवलिंग पर डिपेंड रहेंगी, और काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉग होंगे जो आपको शायद अच्छे भी लगें और आपके काम के भी हों। तो चलिए।